गुड न्यूज़ बताऊं? गुड न्यूज़ तो नहीं है, बैड न्यूज़ है। ये हुआ है हमारे चश्मों के साथ, हार्दिक ने अपना चश्मा तोड़ दिया। बैड न्यूज़ कुछ नहीं है, मेरे को कॉपी करती रहती है। मैंने चश्मा तोड़ा तो खुद ने भी बिल्कुल तोड़ नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, और मेरे की तो बहुत बुरी हालत है। मेरे वाला तो और भी बेकार तरीके से टूटा है, और दोनों का आज ही टूटा है। दोनों ने अपने अपने तोड़ दिए दोनों चश्मों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बस जस्ट उठी हूँ, और उठते ही सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया, कोई इमरजेंसी है, ट्रोमा केस है, कोई सीढ़ियों से गिर गया है, तो फटाफट पहुँचना है उधर। कहाँ जा रहे हो? जिम। थोड़े दिन की एक्टिंग होती है, एक दिन करते हैं, फिर कहते हैं यार आज नहीं है ना। ये भी मैं खींच के लेके आया इसको, मेरे को पता है ना। देखो मैं तो, मेरे को जिम करने की तो कोई जरूरत है नहीं, देख सकते आप। ये लड़का पता है जिम कैसे करता है। पिज़्ज़ा मेरे को खिलाती है और जिम नहीं जाती। हाँ चलो जिम में मिलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। हंसते नहीं है एक्सरसाइज करते वक्त। वेरी गुड। बच्चों की जिम देख के मेरे को शर्म आ रही है, मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। हेलो, मेहनत देख रहे हो लड़के की, बस दिन में आ रहे हैं, और मैं देखो कैसी ड्रेस में आई हूँ। आज बनी है पनीर की भुर्जी, और मैंने क्या किया है, ये जो रोटी है ना, सब्जी जो बिछ रही थी ना, उसको मैश करके आटे में फिर बनाया। वाह यार, आज भूख भी बहुत ज्यादा लग रही ना। आज हम बहुत दिनों के बाद जिम भी गए थे तो भूख लग रही यार। ये 10 दिन में एक बार जिम करने वाला। वो नहीं बता तुमने, आज तुम्हारे क्लिनिक गए थे, सुबह कॉल आया था। हाँ, ट्रोमा केस था, एक बंदा ना सीढ़ियों पे से गिर गया, उसके नीचे के 2 दांत टूट गए, फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी थी। बोल रहा था मैडम 2 घंटे से ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही। मैं, तू 2 घंटे से क्या कर रहा है? और दांत लेकर आया पेपर में तो कभी लाना ही नहीं चाहिए। कभी भी दांत टूटता है या चोट लगती है ना, दांत अगर पूरा निकल भी जाए, आप भी सुन लो सब, अगर किसी को इंजरी होती है और पूरा दांत निकल जाए, तो उसको ना दूध में रख कर लेके आना होता है, या फिर ओरल कैविटी में, मुंह में ही रख सकते हो, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में बिल्कुल नहीं लेकर आना। रीइम्प्लांट करने का भी एक टाइम होता है, 45 मिनट्स के अंदर अंदर हम रीइम्प्लांट कर सकते हैं, उसके बाद सेल्स डेड हो जाती है। जी आज का ज्ञान बस बहुत है। पर यार घर के खाने को मिस कर रहे हैं, यहाँ जुगाड़ वाला खाना खाना पड़ रहा है ना, मम्मी के हाथ का खाना, कड़ी नहीं खाई, अभी खुद बनाना पड़ रहा है ना। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। दूध का ऐसा है ना, यहाँ पर थैली वाला दूध मिलता है, और हम हरियाणा से हैं, हमें तो मतलब जो खुला दूध, हमें जो प्योर मिल्क मिलता है ना उधर, वही अच्छा लगता है। बस काम चला रहे हैं यार। कितने कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार पैकिंग वाला नहीं, जो फ्रेश दूध हमें गांव में मिलता है वही अच्छा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है। दिस इज हाउ कॉलेज लाइफ इज, और बहुत ही अलग लाइफ है। ऑल द मेरी कॉलेज लाइफ नहीं चल रही है, बट स्टिल लुक एट दिस व्यू। रात के 1:30 बजे मैच चल रहा है।
आता है खेला? हमारी टीम से ऐश्वर्या गई है लड़कों के मैच में। स्ट्रॉन्ग लड़की है। गाइज, मैंने आज पहली बार ही फुटबॉल मैच देखा था और फुटबॉल मैच इतना क्रेजी और इतना थ्रिलिंग होता है, मुझे आज पता चला। मेरा मन कर रहा है मैं स्टेडियम जाकर मैच देखूं। सो गाइज, आज इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। 3 बज गए हैं। मैच हार गई थी हार्दिक की टीम, मतलब हार्दिक के कॉलेज की टीम, मतलब बट मज़ा आया यार। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।